दोस्तों, इस मछली को देखकर आप इसे एक आम मछली समझ रहे होंगे, लेकिन इस मछली से लगभग सभी जीव अपनी दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि मगरमच्छ भी इस मछली से अपनी दूरी बनाए रखता है, क्योंकि यह मछली गुस्सा होने पर या आत्मरक्षा के लिए लगभग 860 वोल्ट का एक दमदार बिजली का झटका मारती है, जो कि एक अच्छे खासे तंदुरुस्त घोड़े की जान लेने के लिए काफ़ी है। यही वह कारण है कि इस मछली से सभी जीव अपनी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं अद्भुत। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन और इनोको नदी में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली मीठे पानी का सबसे जहरीला जीव माना जाता है। ये करीब 2 मीटर लंबी होती है और करीब 860 वोल्ट तक बिजली की झटके भी दे सकती है। इलेक्ट्रिक ईल मछली दूसरी मछलियों, केकड़ों और झींगे का शिकार करना पसंद करती है और इन्हें पकड़ने के लिए कम बिजली की झटके का उपयोग करती है और आत्मरक्षा के लिए अधिकतम से अधिकतम बिजली के झटके देती है। शांत पानी में मटमैले किनारों के नजदीक रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली से मगरमच्छ और घड़ियाल भी दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मगरमच्छ भूख से विवश होकर इसका शिकार करने की भूल कर बैठते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मगरमच्छ ने इलेक्ट्रिक ईल मछली को निवाला बनाने की कोशिश की और उसे अपने खतरनाक जबड़ों में दबा भी लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप सभी देख ही सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल मछली लगातार बिजली के झटके मारने शुरू कर दिए। बार बार हाई वोल्टेज का करंट मगरमच्छ के दिल और तंत्रिका तंत्र को नाकाम करने के लिए काफ़ी था। मछली मुंह में दबी ही थी कि मगरमच्छ तड़पने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मछली के छोटे बच्चे भी 100 से 150 वोल्ट तक के बिजली के झटके मारते हैं। गुस्सा होने पर यह मछली लगातार घंटे तक बिजली के झटके छोड़ती रहती है। ये झटके इंसानों के लिए भी जानलेवा होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी हैं। आखिरकार यह मछली इतनी हाई करंट कैसे पैदा करती है और बिजली के तेज झटके इसे क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाते? इन सब सवालों का जवाब हम आने वाली वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।